To stay updated, subscribe to TJA Academy. Bismillahirrahmanirrahim. तो आज टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हमारे पास स्टैंडर्डाइज्ड एंड अनस्टैंडर्डाइज्ड कोफिशिएंट इन रिग्रेशन एनालिसिस। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मॉडल है जिसमें आप लें इनकम डिपेंडेंट वेरिएबल है और एज प्लस एक्सपीरियंस प्लस एल्टम। अब ये आपके पास इनकम एक वेरिएबल है। अगर मैं इस मॉडल को हमने रन किया और हमारे पास रिजल्ट आया टू एज प्लस थ्री एक्सपीरियंस, ये आपके पास है और ये आपके पास आ गई इनकम, तो आप इसको कैसे इंटरप्रेट करेंगे? इफ एज इंक्रीज बाय वन यूनिट देन इनकम इंक्रीज बाय, प्लस का साइन है, इंक्रीज बाय टू यूनिट्स, कीपिंग अदर फैक्टर्स रिमेंस कांस्टेंट, बिल्कुल ठीक है। इफ एक्सपीरियंस इंक्रीज बाय वन यूनिट देन इनकम इंक्रीज बाय थ्री यूनिट्स, कीपिंग अदर फैक्टर्स रिमेंस कांस्टेंट, ही है बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अगर आपसे पूछूं कि इनमें से एज और एक्सपीरियंस में से कौन सा ज़्यादा इफेक्टिव है, यानी डिपेंडेंट को कौन ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है, तो आप बड़ी आसानी से ये कह सकते हैं कि हाँ भाई एज ज़्यादा एक्सपीरियंस ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है क्योंकि इसका कोफिशिएंट थ्री है, और एज इसके मुकाबले में कम इफेक्ट कर रहा है क्योंकि अगर एक्सपीरियंस वन यूनिट से बढ़ेगा तो इनकम में थ्री यूनिट्स का इजाफा हो जाएगा, और अगर एज वन यूनिट से बढ़ेगी तो इनकम में टू यूनिट का इजाफा हो जाएगा। तो आपने कहा कि कौन सा कोफिशिएंट वेरिएबल ज़्यादा इफेक्टिव है, आपने कहा एक्सपीरियंस ज़्यादा इफेक्टिव है, बिल्कुल ठीक है। ये जो आप रिग्रेशन रन करते हैं किसी भी सॉफ्टवेयर में, जो आपके पास कोफिशिएंट ये जो आते हैं ना आपके पास, ये कहलाते हैं आपके पास अनस्टैंडर्डाइज्ड अनस्टैंडर्डाइज्ड कोफिशिएंट। ओके, अब अगर इसी मॉडल में मैं एक तरफ तो एज रखूं टू एज और दूसरी तरफ एक्सपीरियंस हटा के मैं लिख दूं वेट, ऐसे ही समझाने के लिए, मॉडल की वो रेलेवेंसी नहीं है लेकिन समझाने के लिए। अच्छा, यहाँ पर इनकम रुपीज़ में काउंट हो रही थी, एज ईयर्स में काउंट हो रहा था, एक्सपीरियंस का यूनिट भी ईयर्स ही था, ठीक है जी। यानी यहाँ पर एक्सपीरियंस के वन यूनिट के बढ़ने का मतलब है वन ईयर का बढ़ना, एज के वन यूनिट का बढ़ने का मतलब है वन ईयर का बढ़ना, बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर एज इंक्रीज बाय वन यूनिट, इनकम इंक्रीज बाय टू यूनिट, ये भी ठीक है, कीपिंग अदर फैक्टर रिमेंस कॉन्स्टेंट। वेट इंक्रीज बाय वन यूनिट, इनकम इंक्रीज बाय थ्री यूनिट्स, कीपिंग अदर फैक्टर रिमेंस कॉन्स्टेंट, ये भी बिल्कुल ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर सोचने की बात ये है, पहले ये भी ईयर्स में काउंट हो रहा था, ये भी ईयर्स में काउंट हो रहा था। अब अगर नीचे वाले मॉडल में देखें तो एज इंक्रीज बाय वन यूनिट का मतलब है वन ईयर, एक साल के बढ़ने पर इनकम टू यूनिट से इजाफा होगा, जबकि दूसरी तरफ वेट गिवन है किसमें, केजी में, यहां कह रहा है कि 1 केजी अगर 1 यूनिट से बढ़ेगा, वेट यानी जो किलोग्राम में, वो अगर 1 यूनिट से बढ़ेगा तो इनकम में 3 यूनिट का इजाफा हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ, इंटरप्रिटेशन तो आप यही करेंगे, वेट इंक्रीज बाय 1 यूनिट, इनकम इंक्रीज बाय 3 यूनिट, बिल्कुल ठीक है। एज इंक्रीज बाय 1 यूनिट, इनकम इंक्रीज बाय 2 यूनिट, बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर आपसे पूछूं कि इन दोनों में से कौन सा ज्यादा इफेक्टिव है, तो देखने में तो लग रहा है कि वेट ज्यादा इफेक्टिव है क्योंकि इसका कोफिशिएंट ज्यादा बड़ा है, लेकिन असल में अभी इस वक्त हम इनको आपस में कंपेयर नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वेट के इंक्रीज होने का मतलब है 1 किलोग्राम का बढ़ना, एज के इंक्रीज होने का मतलब है 1 ईयर का बढ़ना, तो 1 ईयर और 1 किलोग्राम ही जब कंपेरेबल नहीं है तो फिर इनके कोफिशिएंट भी आपस में कंपेरेबल नहीं होंगे। तो जब इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के यूनिट डिफरेंट हों, जब इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के यूनिट डिफरेंट हों, तो उस वक्त आप इन कोफिशिएंट को जो कि अनस्टैंडर्डाइज हैं इंटरप्रेट तो कर सकते हैं लेकिन कंपेयर नहीं कर सकते। कब कंपेयर नहीं कर सकते? जब इंडिपेंडेंट वेरिएबल के यूनिट्स कैसे हों, डिफरेंट हो। देखिए यहां सेम है, सेम यूनिट्स आप कंपेयर कर लें, यहां यूनिट सेम नहीं है, ये आपके पास एयर में है, ये किलोग्राम में है, तो इन दोनों का आपस में आप कंपेयर नहीं, इंटरप्रेट कर सकते हैं। आप ये कह सकते हैं वेट इंक्रीज बाय 1 यूनिट, इनकम इंक्रीज बाय 3 यूनिट, कीपिंग अदर फैक्टर रिमेंस कांस्टेंट, ये आप कह सकते हैं। लेकिन ये कहें क्योंकि इसका कोफिशिएंट ज्यादा है तो वेट ज्यादा इफेक्टिव है एज के मुकाबले में, ये आप नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि किलोग्राम और एयर आपस में कंपेरेबल नहीं है। तो ऐसी सूरत में जब इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के यूनिट कैसे हो, डिफरेंट यूनिट्स,
तो ऐसी सूरत में जो अनस्टैंडर्डाइज कोफिशियंट आता है वो आप इंटरप्रेट तो कर सकते हैं लेकिन कंपेरेटिव आंसर नहीं कर सकते कि कौन सा ज्यादा इफेक्टिव है। तो इन्हीं को कंपेयर करने के लिए, यानी मैं ये कह सकूं कि ये दोनों के यूनिट अलग हैं लेकिन इनको यूनिट को कंपेयर करने के लिए मैं एक ऑपरेशन अप्लाई करता हूँ, एक प्रोसेस करता हूँ जिसके बाद मैं इन दोनों को भी आपस में कंपेयर कर सकता हूँ कि कौन सा ज़्यादा इफेक्टिव है। और वो प्रोसेस क्या है कि आप तमाम की तमाम सीरीज़ को, जैसे इनकम, एज, वेट, इन तमाम सीरीज़ को एज इट इज़ फॉर्म में कंसिडर नहीं करें, उनकी स्टैंडर्डाइज फॉर्म बना लें। स्टैंडर्डाइज फॉर्म, स्टैंडर्डाइज फॉर्म कैसे बनती है? फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक्स की वैल्यू है 2, 8, 10, 12, ये x है, इसका कोई ना कोई मीन होगा, कोई ना कोई मीन वैल्यू, कोई ना कोई स्टैंडर्ड डेविएशन होगा। तो अगर किसी भी सीरीज को x यानी इसकी हर वैल्यू माइनस करूं उसके मीन से यानी x बार और डिवाइड कर दूं किससे, स्टैंडर्ड डेविएशन से। अब देखिए मुझे एक बात बताएं, x माइनस x बार है क्या? मीन डेविएशन ही तो है। मीन से कितना डिफरेंस आ रहा है, तो ये मीन डेविएशन। और नीचे क्या लिखा मैंने, स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन भी यही होता है कि वैल्यू ऑन एवरेज अपने मीन से कितना दूर है, यानी ये भी डेविएशन को ही बता रहा है, ये भी डेविएशन को बता रहा है। तो ऊपर भी डेविएशन, नीचे भी डेविएशन, तो ये जो भी इसका आंसर आएगा उसका कोई यूनिट नहीं होगा, लेकिन जो भी इसकी सीरीज आएगी, यहाँ पर हर वैल्यू आ रही होगी ना, जैसे 2 माइनस म्यू मीन ओवर स्टैंडर्ड डेविएशन, 8 माइनस मीन ओवर स्टैंडर्ड डेविएशन, तो ये पूरी की पूरी सीरीज आ जाएगी इस फॉर्मूले से। तो याद रखिएगा, जब इस फॉर्मूले से आप किसी सीरीज को बना लेते हैं तो वो कौन सी इस सीरीज कहलाती है, स्टैंडर्डाइज सीरीज कहलाती है। फिर जब आप स्टैंडर्डाइज इनकम और फिर स्टैंडर्डाइज एज और फिर स्टैंडर्डाइज वेट, अब जब आप ये वाली रिग्रेशन रन करेंगे और इस रिग्रेशन में जो भी कोफिशियंट आएगा वो बेसिकली, अब ये पूरा मॉडल यूनिट फ्री हो गया है, क्योंकि देखिए आप स्टैंडर्डाइज सीरीज का कोई यूनिट नहीं होता। तो जब यूनिट फ्री हो गया तो यूनिट के डिफरेंट होने की वजह से आप इनको आपस में कंपेयर नहीं कर पा रहे थे। तो आपने क्या काम किया, हर सीरीज को स्टैंडर्डाइज फॉर्म में लेके आए, और स्टैंडर्डाइज फॉर्म में लेके आने के बाद जब आप फिर रेग्रेशन रन करेंगे, तो जब आप फिर रेग्रेशन रन करेंगे तो देखेंगे इनमें कोई यूनिट सेम है, ये यूनिट है ही नहीं, सब यूनिट फ्री है। तो इसका मतलब अब इसका जो भी बीटा आएगा वो आपस में कंपेयरेबल होगा। अब अगर फॉर एग्जाम्पल इसकी वैल्यू 2 और इसकी वैल्यू 1.5 आ रही है या 7 आ रही है, अब आप ये कह सकते हैं कि हाँ भाई स्टैंडर्ड फॉर्म में जब हमने करके देखा तो अब एज का कोफिशिएंट ज्यादा है, वेट का कोफिशिएंट कम है, अब हम ये कह सकते हैं कि एज रिलेटिवली ज्यादा इफेक्टिव है इनकम के लिए एज कंपेयर टू वेट। लेकिन ये डायरेक्ट इस इक्वेशन से कंसिडर नहीं कर सकते। तो अब इसको कंक्लूड करते हैं कि अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल के यूनिट सेम है तो जो कोफिशिएंट रन होके आते हैं ये अनस्टैंडर्डाइज कोफिशिएंट होते हैं, और आप इन्हीं को इंटरप्रेट भी करेंगे और इन्हीं को आपस में क्या कर सकते हैं, कंपेयर भी कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई मॉडल ऐसा है जिसमें आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल के यूनिट कैसे हैं, डिफरेंट हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल के यूनिट डिफरेंट हैं, आप मॉडल रन करेंगे, अनस्टैंडर्डाइज कोफिशिएंट को आप क्या काम करेंगे, इंटरप्रेट करेंगे, लेकिन आप इनको आपस में कंपेयर नहीं कर सकते। जब आपको इनको आपस में कंपेयर करना होगा तो जब कंपेयर करने के बाद, कंपेयर करने के लिए आप तमाम सीरीज को स्टैंडर्डाइज फॉर्म में लाएंगे, फिर जो आप रन करेंगे, अब ये जो आपके पास बीटाज आएंगे ये आपके पास कहलाएंगे स्टैंडर्डाइज कोफिशिएंट। ये आपके पास है स्टैंडर्डाइज कोफिशिएंट, और जब स्टैंडर्डाइज कोफिशिएंट आप हासिल कर लेंगे तो याद रखिएगा स्टैंडर्डाइज कोफिशिएंट को आपस में आप कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि स्टैंडर्डाइज सीरीज का कोई यूनिट नहीं होता। एक टेक्निकल चीज और ध्यान में रखें, जब आप स्टैंडर्डाइज सीरीज रन करते हैं तो स्टैंडर्डाइज सीरीज में इंटरसेप्ट इस्तेमाल नहीं करते, नो इंटरसेप्ट। अब इसका टेक्निकल रीजन है, ओ नो इंटरसेप्ट। जब आप ये रिग्रेशन रन करेंगे तो आप जो कोफिशिएंट आएगा वो आपके पास क्या होगा, स्टैंडर्डाइज कोफिशिएंट होगा। तो आई होप स्टैंडर्डाइज और अनस्टैंडर्डाइज कोफिशिएंट आपकी समझ आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो उसको लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें।